ठीक है ठीक। चल दे तभी निकल रहे हुंडर से। तो आज का ट्रिप हो गया पेंगोंग लेक और हानले। कल करेंगे हानले उमलिंगला टू मनाली। हुंडर हुंडर से और अंदर जाएंगे तो पहुंचेगा तुरतुक विलेज, जो है इंडिया का लास्ट विलेज। वहां पर हम नहीं जा रहे क्योंकि अपने पास छुट्टी थोड़ा कम है, तो इसी की वजह से हम ये ट्रिप हुंडर तक ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा दूर तक तक जाएंगे। और अभी सबसे पहले हमको फ्यूल अप करवाना है और एक्स्ट्रा जरी कैन में भी फ्यूल अप करवा के कैरी करना है, क्योंकि उमलिंगला पास में हमको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा अभी तो भरोसा नहीं कि पेट्रोल होगा कि नहीं, तो इसीलिए आगे से ही पेट्रोल भरवाते हैं। अरे विलेज बहुत ही बढ़िया है, तो अभी मिलते हैं आपको रास्ते में। यहाँ पर थोड़ा ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग में थोड़ा चला दिया क्लासिक को, हिलता जुलते बबलिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए पहुंच गए सैंड ड्यून्स। यार सैंड ड्यून्स एक कुत्ता भी भाग के आ रहा है मेरे सामने। और ये है हुंडर वैली, नुब्रा वैली, और यहीं पर जो किया था हम लोगों ने कैमल राइड। और यहाँ पर है सैंड ड्यून्स, कोल्ड सैंड ड्यून्स है ये सब। और यहाँ पर बाइक थोड़ा डिफरेंट टाइप से रिएक्शन दे रहा है, स्केट कर रहा है इधर पे सैंड के ऊपर। तो अभी 8:30 हो गया और हम लोग पहुंच गए टिमोर। टिमोर में हमने फ्यूलिंग भी कर लिया और एक्स्ट्रा जड़ी कैन जो कैरी किया था उसमें भी फ्यूलिंग कर लिया। अब यहाँ से फिर पेंगोंग लेक की तरफ जाना है और सुना है कि रोड थोड़ा ख़राब है, शुरू का 20 किलोमीटर्स, उसके बाद अच्छा रोड मिलेगा। तो फिर देखते चलते, थोड़ा पैकिंग करते पेट्रोल का जड़ी कैन का, उसके बाद निकलते। अभी फ्यूल को पैक कर लिया प्रॉपरली और फिर से जा रहे हैं यही रास्ते। अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। कल जो रास्ता हम लोग आए थे वो उस तरफ है और अभी उस तरफ से इस तरफ रिवर के इस पार आ गया और निकल रहे आगे की तरफ। और अभी सभी के पास 10-10 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया है।
तो रोड अच्छा है, बटर स्मूथ। के गर्दैछ यो केडा, बढ़िया सा रोड है। राइट में वैली, चारों तरफ वैली है। लद्दाख बोलते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन राइडर्स के लिए, बाइक राइडर्स के लिए। तो सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा जगह जो है हम लोगों ने स्किप कर लिया क्योंकि टाइम कम था। तो अभी नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे लद्दाख। तो पेंगोंग जाने के रास्ते में मिल जाता है ये रिवर क्रॉसिंग, तो अभी रिवर क्रॉसिंग की तरफ चलते हैं। पानी बहुत ही गहरा है, जूता में भी पानी थोड़ा घुस गया। थोड़ा टफ है अभी भी, थोड़ा सा। अगर बारिश के महीने में आएंगे तो पूरा जूते में पानी घुस जाएगा। मेन इश्यू तो वही है, जूते में पानी नहीं घुसना चाहिए, लेकिन घुस गया पानी और उसी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पानी पस्यो खुट्टामा? खुट्टा में पानी पस्यो? तो पानी घुस, जूते में पानी घुसने से दिमाग गड़बड़ हो जाता है, बाकी तो सब सही है। यहाँ पर भी पूरा पानी ही पानी मिलेगा अगर जून जुलाई के महीने में आएंगे तो। अभी पानी थोड़ा कम है। अब इसे पानी घुसने से क्या हो गया, मेरा रॉयल एनफील्ड का ये जो क्लासिक का पीछे का ब्रेक जो है, रियर ब्रेक, वो काम करना छोड़ देगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार, लेकिन अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। ज़्यादा पानी में चलाने से अपने आप ब्रेक काम करना ही छोड़ देता है। और यहाँ का नज़ारा लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी मौसम भी अच्छा है और रिवर क्रॉसिंग भी थोड़ा कम मिलेगा, तो बेस्ट सीज़न अगर आपको वाटर क्रॉसिंग पसंद नहीं तो सितंबर का सीज़न बेस्ट रहता है आने के लिए। तो अभी पेंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर दिख रहा है ब्लू कलर का लेक, वही है पेंगोंग लेक। बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो अभी चलते हैं ये रूट के थ्रू पेंगोंग लेक। तो अभी पहुंचने वाले हैं पेंगोंग लेक, यहाँ से दिख रहा है उधर, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है। ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर तभी पहुँचेंगे लेक के पास। लेक बहुत बड़ा है भाई, बहुत बहुत बड़ा। बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल लेक। तो अभी टाइम हो गया 1:08। स्टार्ट किया था हमने कुंडर से,
जैसे 7:30 को, तो फाइनली पहुंच गया पेंगोंग लेक। बहुत ही बड़ा लेक है, सिर्फ इसका आधा है, इसका 50% चाइना के पास है। इसको ये लेक बहुत बढ़िया दिख रहा है।